1974 बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक फोन कॉल आया। कॉल उठाकर इंदिरा गांधी ने कहा, द बुद्धा हैज फाइनली स्माइल्ड, जिसका मतलब था कि भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। बाद में 1998 में भारत में बुद्ध फिर से मुस्कुराए, यानी कई और भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए और भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। नमस्कार, मैं हूँ स्वाति तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। भारत पहला ऐसा देश था जिसने यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा ना होते हुए भी परमाणु परीक्षण करने का साहस किया और सफल भी रहा। इस परीक्षण का विरोध कई परमाणु संपन्न देश ने किया। हालांकि उस समय भारत सरकार ने घोषणा की थी कि भारत का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए होगा और ये परीक्षण भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जाएगा। आइए जानते हैं कि कैसे हुआ था ये पहला परीक्षण। ये सारे परीक्षण बहुत ही खुफिया तरीके से किए गए थे, क्योंकि परमाणु परीक्षण को लेकर पश्चिम के देशों की नजर भारत पर पहले से थी, जिसकी वजह से किसी प्लान को लेकर लिखित में कुछ नहीं दिया गया। प्रोजेक्ट की तैयारी में दो टीमें लगी हुई थी। एक टीम को लीड कर रहे थे राजा रमना, जो कि बार डायरेक्टर थे, और दूसरी टीम थी डीआरडीओ की, जिसको लीड कर रहे थे डीआरडीओ के अध्यक्ष बीडी नाग चौधरी। इस परीक्षण के बारे में लगभग 75 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम और उनके अलावा सिर्फ 3 लोगों को पता था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके मुख्य सचिव डीपी थर और उनके पूर्व सचिव पीएन हक्सर। ऐसा माना जाता है कि रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तक को इसकी भनक तक नहीं थी। और इसी के साथ भारत 18 मई 1974 को दुनिया का 6th परमाणु पावर बना था। आपको बता दें कि भारत ने पहले परीक्षण के बाद एक बार फिर परमाणु परीक्षण का फैसला लिया, जिसका नाम ऑपरेशन शक्ति रखा गया। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या था ये पूरा ऑपरेशन। भारत को परमाणु संपन्न बनाने की तैयारी शायद 20 मार्च 1998 को ही शुरू हो गई थी। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके एक दिन पहले यानी 19 मार्च को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने डीएई के अध्यक्ष आर चिदम्बरम से मुलाकात की थी, और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मुलाकात केवल सभ्यता के चलते नहीं की गई थी। भारत ने CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी नाम के एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रखा था, जिसके मुताबिक कोई भी देश वातावरण में परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। वातावरण में आसमान, पानी और समुद्र शामिल था, इसलिए भारत ने इस परीक्षण को जमीन के नीचे करने का फैसला लिया। तो वहीं भारत में 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु विस्फोट होने से सारे विश्व में तहलका मच गया था। परीक्षण के इन धमाकों से सारा संसार चकित रह गया। अब भारत भी परमाणु शक्तियों में संपन्न हो चुका था। परीक्षण स्थल के आसपास 6-7 किलोमीटर तक की भूमि हिल गई और कई मकानों में भी दरारें पड़ गई। लेकिन राष्ट्र की इस महान उपलब्धि के सामने लोगों को अपने घरों के टूटने से इतनी चिंता नहीं हुई, जितनी प्रसन्नता इस महान सफलता से हुई। इन परमाणु परीक्षण के बाद जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित प्रमुख देशों द्वारा भारत के खिलाफ विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे। इस परीक्षण में भारत को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। 11 मई को एक छोटे से बंकर में बने एक कंट्रोल रूम के अंदर सैनिक वर्दी में बैठे 3 लोग चिंता में थे, जिनके वर्दी पर नाम लिखे थे कैप्टन आदि मर्जबान, मेजर जनरल नटराज और मेजर जनरल पृथ्वीराज। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय सेना में इन नामों के कोई सैनिक थे ही नहीं। जी हाँ, क्योंकि ये कोड नेम्स थे। कैप्टन आदि मर्जबान थे पोखरण रेंज के विज्ञान अधिकारी काकोडकर, मेजर जनरल नटराज थे डीएई के अध्यक्ष आर चिदम्बरम, और मेजर जनरल पृथ्वीराज थे डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने ऐसा अपने पोखरण रेंज में रोज हो रहे दौरे की खबर लीक ना हो, इसको देखने के लिए किया था। अमेरिकी सैटेलाइट को चकमा देकर रात के अंधेरे में प्लूटोनियम को पोखरण पहुंचाया गया, जो कि एटॉमिक नंबर 94 का एक रेडियो एक्टिव मेटेलिक एलिमेंट है, जहां पर विस्फोटक डेटोनेटर और ट्रिगर पहले से मौजूद थे, और फिर शुरू किया गया था उनकी असेंबलिंग का काम।
11 मई यानी परीक्षण के दिन एक नई चुनौती सामने आ गई। परीक्षण से कुछ घंटे पहले अचानक हवाएं तेज चलने लगी और रेंज के मौसम विज्ञान अधिकारी ने कहा कि जब तक हवा रुक नहीं जाती तब तक मिशन रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्लास्ट के बाद रेडिएशन फैला तो हवाओं की वजह से वो आसपास के गांव में भी फैलेगा, जिससे लोगों की मौतें भी हो सकती हैं। लंबे इंतजार के बाद जब दोपहर 3 बजे के करीब हवा थमी तो कुछ देर इंतजार कर आखिरकार 4 बजे के करीब तीनों ब्लास्ट कर दिए गए और इसी के साथ सफलतापूर्वक पूरा हुआ भारत का ऑपरेशन शक्ति परमाणु परीक्षण। तो 48 साल पहले ही भारत ने 1974 में राजस्थान के पोखरण में सफलतापूर्वक अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसके बाद भारत एक ऐतिहासिक माइलस्टोन पर पहुंच गया था। जी हाँ, तो इसी तरह ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण का वो कोड नेम था जिसने उस समय भारत को परमाणु परीक्षण करने वाला दुनिया का 6वां सफल देश बना दिया था। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ये खबर लिखी है हमारी साथी अदिति पांडे ने। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ 15 के साथ। नमस्कार।